विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। चुनाव के मद्देनजर सम्मेलनों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में जगाधरी में बीजेपी की ओर से त्रिदेव सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने शिरकत की। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर और हिमाचल के विधायक सुखराम भी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा वो हरियाणा दौरे पर हैं और कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर बहुत उत्साह देखने को मिला। उनके उत्साह को देखते हुए लगता है तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी जीत दर्ज करेगी। यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भी जीत का दावा किया गया। लगातार झूठ नहीं चलता, एक नैरेटिव सेट करने का काम किया और नैरेटिव सेट करने में उनके साथ बहुत सारे वो लोग भी शामिल थे जो भारत की तरक्की देखना नहीं चाहते, जो भारत का विकास देखना नहीं चाहते, भारत की दुनिया में बढ़ी हुई ख्याति को देखना नहीं चाहते। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है, जिन्हें उससे परेशानी है वो तमाम लोग कांग्रेस के साथ खड़े हो गए और एक नैरेटिव सेट करने में उन्होंने एक योगदान किया। नैरेटिव सेट किया, संविधान खत्म कर देंगे, कई का खटाखट हम इतने पैसे देने वाले हैं, वो खटाखट बोल रहे थे। आज खटाखट उनके दरवाजे पीट रहे हैं, उनके कार्यालय के दरवाजे खटाखट पीट रहे हैं। मात्र 99 सीटें, सारा कुनबा मिलकर के जितनी सीटें लेकर आए उससे ज़्यादा अकेले भाजपा की सीटें हैं। 63 साल बाद फिर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, तो जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति। और यहाँ जगाधरी में हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय कंवरपाल सिंह जी हैं और जिस तरह से यहाँ कार्यकर्ताओं के मन पे जुबान पे इनके काम हैं, मैं कह सकता हूँ बहुत बड़े अंतर से हम लोग यहाँ जीते हैं।